What's going on? We are recording. हेलो, सो कल हम गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट और आज का हमारा प्लान है यॉर्कशायर ही घूमने का, क्योंकि यहाँ से बहुत पास है. हम रह रहे हैं सेटल में. आई थिंक सो ये इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर की गई है, बट सेटल इज इन यॉर्कशायर ओनली. तो यहाँ से घूमना बहुत आसान है एंड आई थिंक सो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन यहीं पे स्टे करना. अभी हम जा रहे हैं वायडक्ट, जो कि यहाँ पे वन ऑफ द फेमस प्लेसेस है. एंड देन लेट्स सी, यहाँ की वादियाँ ही इतनी अच्छी हैं कि कोई स्पेसिफिक जगह जाने की जरूरत नहीं है. आप लिटरली गाड़ी लेके घूम लो, दैट इज मोर देन इनफ. बट यस, वन पीस ऑफ एडवाइस विच आई नोटिस्ड इस ट्रिप में कि ऐसी जगह पे आके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. सो इफ यू हैव अ कार, इट्स द बेस्ट रोड ट्रिप यू कैन एवर हैव. क्या बनाया आज? ऑमलेट विद लॉट्स ऑफ अनियन एंड टोमेटोस. अच्छा, हम थोड़ा हेल्दी खाएंगे साथ में. और वो जो अनहेल्दी चीजें पड़ी हैं वहाँ पे, वो क्या कर रही है मैडम? थैंक यू. चलो सामने का व्यू देखने वाला है और ये आराम करते हुए हमारे जनाब. ऐसे इतनी ठंड लग नहीं रही. नहीं, धूप है ना. अच्छी धूप है, इट्स वेरी नाइस. ये हम ऐसे ही रोड के कहीं साइड पे रोक लिया, यहाँ जगह मिल गई तो. अदरवाइज यहाँ हाइलैंड्स में कहीं जगह ही नहीं मिल रही है कि साइड पे रोक के थोड़ी सी ये नज़ारों को एंजॉय कर सकते. क्या बढ़िया धूप निकली है. नहीं निकली तो है. और सर जी ऑन ड्यूटी. वैसे हमने चश्मे क्यों हमने ग्लास क्यों नहीं पहन रखे जब इतनी धूप है. तो एग्जैक्टली हम कहाँ पे, एटलीस्ट लोगों को तो बता दो. किसी तो गांव के किनारे, किसी तो गांव के, आई थिंक सो हॉल्टन है जहाँ तक मुझे नाम याद हुआ मैप में देखने के बाद. अगर गलत है तो मैं करेक्ट कर दूंगी थोड़ी देर में देख के. और ये बहुत ही प्यारा दिन, चिलचिलाती हुई धूप ठंड में और ये सुंदर नज़ारे. सारे लोग बाहर आ गए. छोटा मैडम, बड़ा मैडम, हाय छोटी मैडम. छोटी मैडम के लिए बहुत धूप है, आपको सनग्लासेस खरीदने पड़ेंगे. ओह माय गॉड, यस वी नीड सनग्लासेस. आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द सन. Also vlogging with mama. Let's go. Stay everyone. So finally, यहाँ पे बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम जा रहे हैं हमारी डेस्टिनेशन जहाँ हमने शुरू किया था, दैट वाज वायडक्ट. बट एज यूजुअल थोड़ा सा डिटोर्स बनते हैं. अगर ऐसा नज़ारा हो तो डिटोर करना चाहिए, थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना चाहिए और इतनी बढ़िया धूप हो तो डेफिनेटली बहुत सारी फोटोज लेनी चाहिए. एग्जैक्टली, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अगर आपको हमारी फोटोज देखनी है एंड स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स. अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो यही नज़ारों के लिए देख रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो यॉर्कशायर आके आप और क्या करोगे. शहर तो है नहीं जो शहर घूमोगे. छोटे छोटे विलेजेस हैं नो डाउट जो कि सुंदर है, बट दिस इज व्हाट इट इज. एग्जैक्टली, मतलब सुंदर रास्ते हैं, वेल मेंटेन्ड है पैसों में. तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको ड्राइव करते हुए? काफी अलग फील है. इसी मामा से ट्रेन जा रही थी.
ट्रेन थी स्टीम रेलवे अभी नहीं चल रहा है, बंद हो गया। नहीं तो हम कर रहे होते ना अभी। रेलवे ट्रैक तो दिख गया और वो स्टेशन है। लंदन से काफी दूर है, ऑलमोस्ट 7 घंटे लग गए हमको यहाँ पे पहुँचने में, बट टोटली वर्थ इट है ना। अरे इतना सुंदर व्यू है, सिर्फ रास्ता वही चलते ही। वो देखो हाइकर्स, लोग हाइकिंग करने निकले हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे फेमस 3 पीक्स हैं जहाँ के लिए लोग हाइकिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के नज़ारे देख हाइकिंग करने आए हैं। व्यूज आर ब्यूटीफुल। लोग गाड़ी में घूम रहे हैं और लोगों को देखो हाइकिंग करने निकले हैं। आई थिंक सो मस्ट विजिट प्लेसेस है ये इंग्लैंड में। इतने ट्रिप्स के बाद मैं बोल सकती हूँ कि शारडेल्स डेफिनेटली आओ, पर टाइम लेके आओ। वो कट टू कट वीकेंड ट्रिप बनाना। और हम ये फाइनली पहुंच गए। थैंक यू गूगल दीदी। और फॉर अबाउट काफी दूर अभी पार्क्ड अप है, हमें थोड़ा रोड से हट जाता हूँ, लोग उड़ा देंगे मुझे नहीं तो। मामा अंजीटी और हम फाइनली पहुंच गए हैं वायडक्ट। वो रहा मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा हो तो। और हम आ गए हैं इन खेत पहाड़ों के बीच में वायडक्ट देखने। वायडक्ट्स आर नथिंग बट पुल, इंडिया के रेलवे पुल अलग हुआ है यहाँ पे। लगता है ठंड बढ़ गई है बहुत ज्यादा। इस पाथवे पे अभी हमको जाना है रेलवे का पुल देखने। कहाँ रह गए थे आप? फोटोज खींचने। क्या सारे व्यूअर्स को दिखाओगे आपने क्या फोटोज ली हैं? अभी और अभी इतनी लंबी चढ़ाई है वहाँ तक के लिए। लोगों को थोड़ा सा डिटेल्स भी दे देते कि एग्जैक्टली हम कहाँ आए हैं। तो ये है रिगल हेड वायाडक्ट। कुछ नहीं, रेलवे का पुल है जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है। हवा बना रखा है इन लोगों ने। पहाड़ों के बीच में है वो तो बताओ ना। लेकिन तो पहाड़ों के बीच में और नदियों के बीच में ही बनते हैं पुल। ऐसे नदियों के बीच में जा नहीं सकते, इसलिए पहाड़ों के बीच में देखने आए हम। ट्रेन आती तो काफी अच्छा वीडियो फोटो आती। ट्रेन का टाइमिंग देखे क्या? यहाँ पे बैठ जाते हैं यहाँ कैंप लगा के। ट्रेन आएगी, फोटो खींचेंगे, तभी जाएंगे यहाँ से। उसका क्या कहेंगे? थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब। उनको समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कितनी ठंड है, तो रात भर में इतनी बर्फ जम, बस इतनी मोटी बर्फ जमी है। हम अभी जा रहे हैं सेटल में, उसके क्रिसमस मार्केट, और यहाँ पे एक्चुअली क्रिसमस लाइट आज जलने वाली है। ऑन टॉप ऑफ इट फायरवर्क्स भी होने वाला है। सो चलो। और ये लोग पता नहीं कुछ तो डांस कर रहे हैं। ये चलो। लंदन में तो हम लोग जाके देखते नहीं है, बट यहाँ पे जरूर देख रहे हैं क्योंकि पास में है यार। लंदन में 1-1 घंटा दूर जाना पड़ता है, यहाँ पे वैसे 3 मिनट वॉक करना पड़ा। Thank you.
कल बढ़िया से वेदर के बाद वी आर बैक टू टिपिकल ब्रिटिश वेदर जो कि क्लाउडी है बट ठीक है, एटलीस्ट बारिश नहीं हो रही है. सुबह शायद तक बारिश के प्रेडिक्शंस थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप घूमने आ रहे हैं तो प्लीज़ वेदर अपडेट्स देख के आइए, क्योंकि कल परसों के बाद तो यहाँ पे स्नोफॉल भी दिखा रहा है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट आप कौन से टाइम पे कौन से सीजन में आ रहे हो. कहाँ ले आए हो तुम? एक्चुअली हम जा रहे थे मालम को, बट कोई नहीं. बोर्ड दिखाओ तो, यहाँ पे क्या बोल रहा है बोर्ड? बोर्ड जो भी बोल रहा है, ये बोल रहा है ऐसे रास्ते पे निकल जाओ सीधा, जो कि दिख नहीं रहा है कहाँ जा रही. हाँ, बोर्ड बोल रहा है कि 14% इंक्लिनेशन डाउन है. अभी तो उतर तो जाएंगे हले हले, फिर चढ़ने में गाड़ी रो देगी तो गाड़ी देख ऐसा लग रहा खत्म हो गया. Just to let you know, ये रहा हमारा कॉटेज, and ये ब्यूटीफुल सा रोड. Sad. वो तो किसी भी वेकेशन के एंड पे होता ही है, बट वी रियली हैड अ वेरी गुड स्टे हियर इन दिस मे कॉटेज. ये था हमारा कॉटेज के बाहर का. सो फाइनली इट्स टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल कॉटेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. व्हाट डू यू से, हाउ वाज योर ट्रिप? इट वाज गुड, इट वाज फन ड्राइविंग. इट वाज फन ड्राइविंग, इजंट इट? बाय द वे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मोर डिटेल्स, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, एंड और कुछ डिटेल्स अगर आपको इस टाइप के ब्लॉग्स में चाहिए. टिल देन स्टे सेफ वेयर एवर यू आर, बी इट आउटसाइड और एट होम. And don't forget to like, share and subscribe to the channel. Bye! I hope aapko ye vlog acha laga hoga. Please let me know in the comment section kya improvements ho sakti hain aur kya details aapko chahiye taki aap bhi apne trips plan kar sake. Till then, have a good stay wherever you are, at home or outside. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Bye!